पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी एक हफ्ते की भारत यात्रा पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी यात्रा के साथ उस समय विवाद जुड़ गया जब मुंबई में हुई डिनर पार्टी में खालिस्तान समर्थक जसपाल अटवाल को ट्रूडो की पत्नी सोफी के साथ देखा गया। जसपाल अटवाल खालिस्तान समर्थक रहा है, वो बैन किए गए इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन में काम करता था। अटवाल और तीन अन्य लोगों को पंजाब के पूर्व मंत्री मलकीत सिंह सिद्धू पर 1986 में वैंकूवर आइलैंड में जानलेवा हमला करने के केस में दोषी ठहराया गया था। अब ट्रूडो ने इस पूरे विवाद के लिए भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। ट्रूडो की माने तो भारत ने ही अटवाल के वीजा को मंजूरी देकर उनकी भारत यात्रा को खराब करने की कोशिश की थी। ट्रूडो के बयान की निंदा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हो रही है। खुद उनके देश के विपक्ष के नेता एंड्रयू शीर ने ट्वीट कर कहा है, जस्टिन ट्रूडो ने अविश्वसनीय और गंभीर आरोप भारत सरकार के खिलाफ लगाए हैं, जिसका असर कनाडा की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होगा। अगर ऐसा कुछ है तो ट्रूडो को अपनी कही बात के लिए सबूत पेश करने की जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डैनियल जीन ने नई दिल्ली में एक बयान दिया था कि जसपाल अटवाल की भारत में मौजूदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसको ब्लैकलिस्ट से हटाने वाली भारत सरकार ही है। जस्टिन ट्रूडो ने जीन का समर्थन किया था।